इस वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं 6 अगस्त के। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह वीडियो आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलो अब शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा के पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर आएगा बी, सिल्वर। हरियाणा के पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। रवि कुमार दहिया का जन्म 12 दिसंबर 1997 को हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गांव में हुआ था। रवि दहिया के पिता का नाम राकेश दहिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाले पहलवान रवि दहिया को 4 करोड़ रुपये और वन क्लास सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा के सिरसा जिले के चिराग मेहता कौन से राज्य के जज बने हैं? हरियाणा के सिरसा जिले के चिराग मेहता तेलंगाना राज्य के जज बने हैं। सिरसा जिले के रानिया शहर के रहने वाले चिराग मेहता तेलंगाना में जज बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने हरियाणा राज्य के लिए कितने कामकाजी महिला हॉस्टल निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका आंसर आएगा बी, 20। भारत सरकार ने हरियाणा राज्य के लिए 20 कामकाजी महिला हॉस्टल निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें रोहतक में 2, हिसार में, पंचकुला में, जींद में, कुरुक्षेत्र में और गुरुग्राम फरीदाबाद में एक एक हॉस्टल खुलेगा। शेष 12 हॉस्टलों को विभिन्न स्थानों पर खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी में 10 मीटर एयर राइफल व पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर आएगा ए, HAU। हरियाणा की HAU यूनिवर्सिटी में 10 मीटर की एयर राइफल व पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। इसके कुलपति का नाम है प्रोफेसर B.R. कंबोज। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा का कौन सा जिला पुराने रिकॉर्डों को डिजिटलाइजेशन करने में पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर आएगा डी, करनाल। हरियाणा का करनाल जिला पुराने रिकॉर्डों को डिजिटलाइजेशन करने में पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 6, टोक्यो ओलंपिक में भारत की हॉकी की टीम ने हरियाणा के कितने खिलाड़ी थे? तो इसका आंसर आएगा ए, 2 खिलाड़ी। टोक्यो ओलंपिक में भारत की हॉकी की टीम में हरियाणा के 2 खिलाड़ी थे। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 1980 के बाद पदक जीता है। 1980 में मास्को में ही पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक में भारत की हॉकी की टीम ने कांस्य पदक जीता है। इसमें हरियाणा के 2 खिलाड़ी थे, कुरुक्षेत्र के सुरेंद्र, सोनीपत के सुमित वाल्मीकि भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। हरियाणा के CM ने 2.5 करोड़ रुपए और खेल विभाग में नौकरी देने की घोषणा की है इन दोनों खिलाड़ियों को। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश में चौथी रीजनल फोर्सिंग लाइसेंस लैब कहाँ स्थापित की है? तो इसका आंसर आएगा ए, हिसार। हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश में चौथी रीजनल फोर्सिंग साइंस लैब हिसार में स्थापित की है। पहली रोहतक के सुनारिया में, दूसरी पंचकुला के मोगिनंद में, तीसरी गुड़गांव के भोंडसी में है। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा के खिलाड़ियों को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कौन से कोच की नियुक्ति की जाएगी? तो इसका आंसर आएगा सी, मेंटल हेल्थ कोच। हरियाणा के खिलाड़ियों को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मेंटल हेल्थ कोच की नियुक्ति की जाएगी। सरकार ने मेंटल हेल्थ कोच के लिए मोहर लगा दी है और हरियाणा में 202 कोच नियुक्त किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा सरकार ने किस शहर में नई विधानसभा बनाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है? तो इसका आंसर आएगा सी, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ शहर में नई विधानसभा बनाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा के किस खिलाड़ी को केन्या में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में चयन हुआ है? तो इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। हरियाणा के सुमित चहल, सुमी दीपांशी खिलाड़ियों का केन्या में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में चयन हुआ है। इनका चयन 400 मीटर रिले रेस में हुआ है। यह प्रतियोगिता 17 अगस्त से शुरू होगी। ये तीनों खिलाड़ी MD से थे। कल के सवाल का आंसर, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को ग्लोबल एक्सीलेशन अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर आएगा डी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। आज का सवाल,
हाल ही में किसे मत्स्य से विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए रवि कुमार गुप्ता, बी जयप्रकाश, सी विकास गुप्ता, डी पवन गुप्ता। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।